Hey guys, welcome back to my channel. I'm Minnie back with another video. जैसा कि आप थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे, आज मैं आपके साथ एक फ्लोर लैम्प का वीडियो शेयर कर रही हूँ जो मैंने घर पर ही जीरो बजट में ही पुराने रखे हुए सामान को यूज़ करके DIY किया हुआ है. सो या लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस. जैसा आप देख रहे हैं, ये पुराना फ्लोर लैम्प मेरे पास रखा हुआ था और बट ये पूरी तरीके से फट चुका था. मैं इसका यूज़ भी नहीं कर रही थी, ये बेकार सा पड़ा हुआ था मेरे पास. सो मैंने इसको पहले जो इसका ये ऊपर का वायर है, इस वायर को मैंने सेपरेट किया. देन जो बॉटम एरिया में इसका वायर लगा हुआ था वो सेपरेट किया. देन सीज़र की हेल्प से मैंने ये इसका जो क्लोथ लगा हुआ था, ये कपड़ा लगा हुआ था, वो मैंने इसको अलग कर दिया. और सारी चीज़ों को मैंने अलग अलग सेपरेट कर लिया. इसमें इस कपड़े के अंदर इसमें एक PVC शीट लगी हुई थी, वो PVC शीट भी मैंने सेपरेट कर ली. देन ये जो बॉटम का ये वायर लगा हुआ है, ये भी मैंने सेपरेट करके अलग रख लिया. जो भी सेपरेशन था वो मैंने ऑफलाइन कर लिया था. और उस जो वायर उसमें से निकला, उस वायर के थ्रू मैंने 1 फीट डायमीटर का एक सर्कल क्रिएट किया, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं. देन उसकी जो थिकनेस थी वो इवन नहीं थी, तो उसकी थिकनेस को इवन करने के लिए मैंने सेलो टेप की हेल्प से चारों तरफ सेलो टेप मैंने लगाया और उसकी थिकनेस को इवन किया. देन उसके बाद मतलब जो इस तरीके के वायर होते हैं, ये मेटल वायर किसी भी हार्डवेयर की शॉप पर इजीली मिल जाते हैं. और तो अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, बट ड्यू टू लॉकडाउन मैंने परचेज़ नहीं किया. मैंने जो पुराना मेरे पास था मैंने उसको ही रीयूज़ किया हुआ है. ये हमारा सर्कल बन के रेडी है. देन उसके बाद जो लैम्प से PVC शीट निकली थी, उस शीट को मैंने 16 इंच का मेजरमेंट लेके 2 पार्ट्स में कट कर लिया था. देन डबल साइडेड टेप की हेल्प से मैंने उसको स्टिक कर लिया. और इसका मेजरमेंट मैंने ऐसे लिया कि इसको मैं जो राउंड सर्कल बना रही थी इसका, वो सर्कल की जो डायमीटर है वो 12 इंच है. देन इसकी जो हाइट है वो 16 इंच है. मैं यहाँ पर साइड में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सारा मेजरमेंट लिखा हुआ है. सो आप इस तरीके से इसका मेजरमेंट कर सकते हैं. देन इसके बाद मैंने 12 इंच के डायमीटर के शेप में इसको सिलेंड्रिकल शेप में इसको जोड़ लिया. ये प्रोसेस आप कार्डबोर्ड शीट के साथ भी कर सकते हैं, और या तो फिर आप 1 mm की PVC शीट भी यूज़ कर सकते हैं जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है. देन मैंने जो मेटल का सर्कल बनाया था उसको मैंने इस के अंदर तरफ पेस्ट कर दिया, फेविकॉल के थ्रू अच्छे से चिपका दिया. देन उसके बाद जो इसके टॉप एज थे और जो बॉटम एज थे, उनकी जो सरफेस थी वो इवन नहीं थी, तो इवन करने के लिए मैंने चारों तरफ इसके सेलो टेप लगा दिए, जिसके थ्रू सेलो टेप लगाने से इसका जो शेप है वो प्रॉपर हमें दिखाई देने लगा. ये अब आप देख सकते हैं इसका जो शेप है वो प्रॉपर करने के लिए मैंने दोनों तरफ से सेलोटेप लगा दिए हैं, जिससे इसका शेप अब बहुत ही अच्छा दिखने लगा है. इसके बाद मैंने इसके ऊपर जेसो पेंट किया, और जेसो पेंट करने के बाद मैंने कुछ देर के लिए इसको ड्राई होने के लिए रख दिया. ये जेसो हमें मार्केट में किसी भी स्टेशनरी शॉप पर मिल जाता है, अदरवाइज़ आप ऑनलाइन भी इसको परचेज़ कर सकते हैं. ये सरफेस को इवन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. देन उसके बाद जो मेरा PVC सिलेंडर बन के रेडी हुआ था, उसके टॉप एज पर और बॉटम एज पर मैंने इस तरीके का वाइट कलर का ये रोप जो मार्केट में इजीली अवेलेबल रहता है वो फेविकॉल के थ्रू स्टिक किया. गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ, दिस इज़ टोटली ऑप्शनल, और अगर इस तरीके से आपको करना है तो आप कीजिए, अदरवाइज़ आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं. बट ये लगाने के बाद बहुत ही अच्छा लुक एक क्रिएट कर देता है. अगर आप चाहें तो इसको खाली ऐसा वाइट भी छोड़ सकते हैं, बट मैंने इस पर ये थोड़ा सा लाइट ऑरेंज शेड का मेरे पास ये कलर था, तो मैंने डैबर की हेल्प से इसके ऊपर डैब डैब करके ये कलर किया हुआ है. और इसको मैंने अपर साइड टू बॉटम साइड मैंने किया हुआ है. आप चाहें तो ब्रश के हेल्प से भी कर सकते हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर आपके पास इस तरीके का डैबर अवेलेबल नहीं है तो आप ब्रश के थ्रू भी इसको कलरिंग कर सकते हैं.
कलर प्रॉपर सूख जाने के बाद मैंने इसका एक और कोट इसके ऊपर करा। देन उसके बाद जो ऊपर के ये रोप दिख रहे थे, इस रोप पर भी मुझे सेम कलर ही करना था। और गाइज, दिस इज़ अगेन आई एम सेइंग दिस इज़ टोटली ऑप्शनल, आप कोई भी कलर लेकर कुछ भी कलर इसमें कर सकते हैं, जो कलर आपको अच्छा लगता है। जो रोप है उस पर कलर करने के लिए मैंने एक्रेलिक कलर को 2:1 मतलब 2% कलर और 2 part कलर और 1 part ऑफ वाटर मिक्स करके इसके ऊपर कलर किया है। देन ये ऐसा दिख रहा था। देन बारी आती है वायरिंग की, अगर आपको आता है तो ही आप कीजिए, अदरवाइज़ आप किसी इलेक्ट्रिशियन की हेल्प से ये करवा सकते हैं। देन इसके बाद लैम्प का स्टैंड बनाने के लिए फर्स्ट मैंने ये कर्टन रॉड लिया, ये 5 feet लंबा कर्टन रॉड मैंने लिया हुआ है। और इसके अंदर जो मैंने 4-5 पुराने वायर्स जोड़ के एक लंबा सा वायर बनाया हुआ था वो मैंने इसके अंदर इंसर्ट किया। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वायरिंग मैं ऊपर से नीचे की ओर कर रही हूँ। जो मैं जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पर मैं बल्ब को लगाऊंगी, एंड देन जो नीचे वाला पार्ट है उस नीचे वाले साइड से मैं प्लग लगा के उसको कनेक्शन दूंगी। देन जो ऊपर वाला पार्ट है इस पर मैं बल्ब का होल्डर ये फिट कर रही हूँ। इस बल्ब का होल्डर फिट करना भी मैं आप लोगों से फिर से कह रही हूँ, अगर आप लोगों को आता है तो ही आप ये कीजिए। मुझे ये आता था तो मैंने खुद से कर लिया, अदरवाइज़ अगर आपको नहीं आता है तो आप किसी भी इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर इसको कनेक्शन इसका करवा सकते हैं। मुझे ये आता था, देन मैंने इस पर ये बल्ब का होल्डर फिक्स कर दिया। सो गाइज, मैंने बल्ब का होल्डर जो है वो वायरिंग इसकी प्रॉपर्ली कर ली है। अब इसको मैं जो मेरी कर्टन रॉड है उसके ऊपर सेलो टेप की हेल्प से स्टिक। देन मेरे पास एक थर्माकोल का बॉक्स पड़ा हुआ था, उस बॉक्स को लेके मैंने इसका स्टैंड रेडी किया है और जो बॉटम स्टैंड है वो रेडी किया हुआ है। इसके अंदर साइड से ही मैं वायरिंग वगैरह निकाल के उसका पूरा कनेक्शन सब कुछ फिट करूँगी। सो इस तरीके से मेरा ये स्टैंड रेडी हो जाएगा। इधर से कर्टन रॉड इंसर्ट करने के बाद इसको मैंने ब्लैक कलर कर दिया, और पूरा ब्लैक कलर करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से दिख रहा था। गाइस, क्योंकि मैं अकेले ही वीडियो बना रही थी तो जो भी कुछ वायरिंग वगैरह थी वो सारा वायरिंग मैंने ऑफलाइन ही इंसर्ट इसके अंदर करा था, और जो भी कुछ वायरिंग की प्रोसेस थी वो मैंने ऑफलाइन ही कम्प्लीट कर ली थी। गाइस, जब आप लोग ये बॉटम एरिया क्रिएट करें तो आप उसमें कोई भी कलर कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। जो भी कुछ आपका टॉप पार्ट रहेगा उससे मिलता जुलता आप कलर इस पर कर सकते हैं। मेरे केस में ब्लैक कलर, जो मैंने टॉप पार्ट बनाया था उसके साथ ब्लैक कलर ज़्यादा अच्छा सूट हो रहा था तो मैंने ब्लैक करा हुआ है। जो ये नीचे का पार्ट है ये मैंने MC लगा कर इसको सिक्योर कर लिया, जिससे ये वेट अच्छे से ले और इधर उधर गिरे ना। देन उसके बाद मैंने ऑफलाइन ही इसका टॉप पार्ट इसमें इंसर्ट कर दिया, और उसके बाद इसका लुक कुछ ऐसा दिख रहा था। सो गाइस, दिस इज द फाइनल लुक ऑफ माय फ्लोर लैम्प आफ्टर ऑल द वायरिंग एंड ऑल। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा था। दिन में तो इसका लुक बहुत ही अच्छा दिख रहा है, रात में भी मैं दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसा दिखता है। सो आपने देखा कि किस तरीके से मैं 0 budget में बहुत ही अच्छा एक फ्लोर लैम्प बन के मैंने रेडी कर लिया हुआ है। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है और आप ऐसा कुछ क्रिएट करते हैं देन प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग कीजिएगा। और ये है इसका नाइट लुक, ये नाइट में कुछ इस तरीके से दिखता है। सो या गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो कि आपको कैसा लगा। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। Till then, stay safe, stay healthy. Bye-bye.